बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ में हमें भी शामिल रखते होंगे। एक नई सुबह है, नया दिन है, नया आगाज़ है और सुबह वतन का नया प्रोग्राम जिसको आप पसंद करते हैं आपके सामने है। आपको पता है कि हम जब अपना प्रोग्राम करते हैं और सुबह हमारी कोशिश होती है कोई ऐसी चीज़ें आपस में शेयर करें कि जिसमें हमें थोड़ा सा सीखने को मिल जाए, तो आज मुझे ख़ुद भी सीखने को मिला कि रिगार्डलेस आप किसी भी उम्र में हैं, किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, आप कोई भी प्रोफेशन करते हैं, किसी भी तबके से आप वाबस्ता हैं, जैसा भी लाइफस्टाइल है, दूसरों को स्पेस दिया करें, थोड़ा सा दूसरों को भी कुशन दे दिया करें। जैसा आप गाड़ी चलाते हुए अक्सर देखते हैं कि हर बंदे को हर वक्त ही जल्दी होती है, मैं भी उसी में शामिल हूँ कि मैं पहले निकल जाऊँ, मैं पहले ये काम कर लूँ, दूसरा बाद में आ जाए, अगर कोई आके लग जाए तो फिर आप कहें तू अन्य तहनी नज़र आंदा। यानी अजीब व गरीब सा एक मामला होता है और ये हमें हर वक्त दरपेश होता है। सिग्नल पे भी खड़े हो तो हमें यही होता है कि जल्दी से मैं पहले निकल जाऊं, या सिग्नल अगर बंद हो रहा है तो मेरी कोशिश होती है मैं इतनी स्पीड से गुजर जाऊं कि सिग्नल के बंद होने से पहले पहले मैं निकल जाऊं। निकल के जाना कहाँ है, इस दुनिया की हदों से बाहर निकल जाएंगे। इस वक्त की जो घड़ियों की जो सुइयाँ हैं, जो मकदार है, जो टाइम है, जो मिनट हैं, जो घंटे, उनसे बाहर निकल जाएंगे। अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया उससे बाहर निकल जाएंगे। हमें इसके अंदर ही रहना है, हमें एक दूसरे को स्पेस दे देनी चाहिए और थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा बर्दाश्त और एक दूसरे के लिए पहले आप वाला मामला कभी कभी करके देखना चाहिए। इसकी भी अपनी एक लज्जत है, ना कि हर वक्त मैं पहले और मैं पहले। छोटी सी बात थी, मैंने कहा कि आज सुबह सवेरे इससे हम आगाज़ करें। आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, करने का काम आज का वजीफ़ा, आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं, आपकी लाइव कॉल्स हम रिसीव करते हैं, जो किताब होती है बुक ऑफ द डे उसके बारे में आपको बताते हैं, और आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे है, ये भी बड़ी समझने वाली बातें हैं जो हमारे माशरे में पता नहीं कब से पेनिट्रेट कर गई हैं और क्यों पेनिट्रेट कर गई हैं, कि माह सफ़र और बदशगुनियाँ, इस पर भी हम बात करेंगे। जी हाँ, और सेगमेंट आपका पसंदीदा जिसका आपको इंतज़ार रहता है, मैसेजेस, कॉल्स और हमें टेक्स्ट आते हैं कि जी ख्वाबों की ताबीर का सेगमेंट कब होगा, तो आज हमारा वो सेगमेंट भी है, हम दोनों भी शामिल किए जाएंगे। मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद है, आपको तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं कारी अबू बकर अब्दुल्ला साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं जी आपकी जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, आपके मेरे सवालात के जवाब देते हैं, हमें दीन के बारे में समझाते हैं, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं सर? माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। आपको पता है कि जी हमारा प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें तआवुन हासिल रहता है, उसी तरह आज भी हमें तआवुन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुसलाम इंटरनेशनल का और अत्तैबा इंटरनेशनल का। इन तीनों के इश्तराक से सुबह वतन आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 111-700-000, यानी 111-700 और फिर 000। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपने सवालात के जवाबात जान सकते हैं। यूट्यूब का लाइव लिंक मेरे पास ओपन है, पैगाम टीवी, पैगाम टेलीविज़न लाइव में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब के इस लिंक पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। गुजारिश बस यही है कि जब आप कॉल किया करें तो टीवी की आवाज़, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें ताकि सहूलत से बात हो सके। चलते हैं अपने पहले मेहमान की जानिब, इनसे गुजारिश करते हैं कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए कारी साहब, फिर आगे बढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بھٹی صاحب جو کرنے کا کام ہے وہ تو ہم جانیں گے خلاصہ میں چاہوں گا آپ پہلے بیان کر دیجئے پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد نظامی بھائی ان آیات کی تلاوت جو قاری صاحب نے بھی کی ہے جی اس میں اللہ رب العزت پہلے ہم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ استعینوا بالصبر والصلاة کہ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے کوئی تنگی آ جائے کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ سے مدد لینے کے لیے صبر کرو پہلے تو حوصلہ کرو برداشت کرو اور پھر اللہ سے نماز پڑھ کے تو اللہ سے مدد لے لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جیسے بھی کٹھن حالات ہوں مشکل حالات ہوں تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے تھے جنگ بدر کا موقع دیکھ لیں آپ کے پاس ایسی فوج ہے کہ جس کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے اور گھر سے لڑنے کے لیے بھی نہیں آئے نہاتے مسلمان تو آپ نے ساری رات اللہ سے التجائیں کی اور صبح کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی اللہ کے نبی آپ نے جتنی دعائیں کر لی ہیں کافی ہیں اب بس کر دیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ مشکلات تو آئیں گی اگلی آیت میں یہی ہے کہ مشکلات آئیں گی کبھی خوف کبھی بھوک کبھی پھلوں کا خسارہ کبھی چہیتے بچے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے کبھی مال میں نقصان ہو جائے گا مشکلات تو آنی ہیں تو تم اللہ سے مدد لے لو صبر اور حوصلے کے ساتھ اور جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بشر الصابرین صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ اتنا اجر دے گا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اللہ بغیر حساب کتاب کے ان کو اجر دے گا تو آیات کے آخر تک جو قاری صاحب نے پڑھا ہے
तो उसमें है कि अगर अल्लाह की नाशुक्री करने वाले काबू आ गए तो फिर उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगी, कोई अजाब में रुख्सत नहीं मिलेगी। जो अल्लाह के नाफरमान हुए, अल्लाह के मुनकर हुए, वो अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको फरमा बरदारों में शामिल फरमाए। आमीन आमीन। आज की किताब है जी, अब आपको बताते चलें, और किताब आप देख सकते हैं, ये है इस्लामी कानून विरासत। विरासत जो है इस्लाम का आम तरीन फरीज़ा है, और जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से हिस्से मुकर्रर फरमा दिए हैं, और कई अफराद इन हिस्सों से बकिया हिस्सा लेने के मजाज हैं। इस शरई तकसीम के उसूल क्या हैं, किसको कितना हिस्सा मिलेगा और कौन से रिश्ते महरूम होते हैं, इन सब मालूमात को उस्ताज अबू नमान बशीर अहमद हाफिज़ुल्लाह ने बड़े आसान पैराए में इस किताब में बयान किया है। मामूली पढ़ा लिखा आदमी भी बड़े अच्छे अंदाज से ये किताब अगर पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि इसमें हमें जो करने के काम हैं, जो इस्लामी कानून विरासत है, वो क्या हैं। इसके शुरू में मुफ्ती अब्दुस्सत्तार हम्माद हाफिज़ुल्लाह का जानदार मुकदमा भी बयान किया गया है, और विरासत के अहकाम और अहमियत जानकर ही हम एक दूसरे को विरासत का हक दे सकते हैं। ये किताब आपकी मुआवन है, और ये किताब मुस्लिम लाइब्रेरी में होनी चाहिए, हम इससे सीख सकते हैं। दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स और darussalam.pk पर ऑनलाइन भी दस्तयाब है। ये मुस्लिम लाइब्रेरी में खूबसूरत एडिशन है। इसके बाद बटी साहब, मैं अब गुजारिश यही करूंगा कि करने का काम भी बता दीजिए। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपकी खिदमत में पेश करना है। उसमें आपने तीन नसीहतें की हैं, तीन चीज़ों से रोका है कि मेरी उम्मत ये काम नहीं करे, और बदकिस्मती से वो तीनों ही हो रहे हैं। वो काम नहीं करने के और तीनों ही हो रहे हैं, तीनों हो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है, सहाबी रसूल बयान करते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन समनिल कल्ब व हुलवानिल काहिन व महरुल बगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीज़ों से मना किया, और जिन चीज़ों से आप मना कर दें मतलब कि वो हराम है, वो हलाल है ही नहीं। सबसे पहली चीज़ कुत्ते की कीमत, कुत्ते की खरीदो फरोख्त इसमें आ जाएगी। ना कुत्ता खरीदना जायज़ है ना बेचना जायज़ है। बहुत बड़ा कारोबार है ये तो, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। वो थोड़ी सी इजाज़त कैसे मिलती है? कुछ उलमा इकराम तो कहते हैं कुत्ता जैसा भी हो, तरबियत याफ्ता हो, शिकार के लिए हो, खेतों के लिए हो, जैसा भी हो, अल्लाह के नबी ने मना किया है तो हराम है। लेकिन दूसरे उलमा इकराम कहते हैं, लेकिन हदीस के अंदर ही ये इजाफा मौजूद है कि जिस बंदे ने कुत्ता पाला उसके अजर से हर रोज एक किरात सवाब कम हो रहा है जी। और एक किरात कितना है? ओहद पहाड़ जितना। और ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? 5 किलोमीटर तवील है। इतना अजर सवाब उसके उसके नामा माल से हर रोज कम हो जाता है। इल्ला सईदा ज़रइन औ माशियतिन औ सईदिन। अल्लाह के नबी ने तीन चीज़ों को मुस्तस्ना किया है कि एक वो कुत्ता जो आपने खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए रखा हुआ है कि जानवर उसमें दाखिल होकर ख़राब ना करें, एक वो है जो जानवरों की हिफाजत के लिए रखा हुआ है, एक वो है जो शिकार के लिए रखा हुआ है। तो फिर उलमा इकराम ने कहा कि नहीं, इन तीन के लिए अगर ख़रीदा जाए तो उसकी कीमत देनी जायज़ है और लेनी भी जायज़ है। बाकी शौकिया कुत्ते पालना वो हराम है, पालने भी हराम है, ख़रीदने भी हराम है, बेचने भी हराम है। और दूसरा फरमाया हुलवानुल काहिन, ये जो हम कह देते हैं ना यार, ज़रा हिसाब किताब लगा के ज़रा बताएं मेरा आज का दिन कैसा गुजरेगा। या वो कहता कि मैंने तुझे पहले ही कहा था ऐसा ही होना है। ये है हुलवानुल काहिन, नजूमियों की पेशीन गोइयाँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक खादिम था, नौकर था, ग़ुलाम था। वो एक दिन मिठाई ला कर आया, मिठाई खाएं जी हज़रत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खा रहे तो कहने लगा, हज़रत आपको पता है कि मिठाई मैं लाया कहाँ से हूँ, कहाँ से लाया? कहने लगा जी मैं जो कहानत कोई नहीं आती, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, पामिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुक्का लगाया था कि ख़ानदान को कहा कि तुम्हारे यहाँ तो बेटा ही पैदा होगा, उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने मिठाई दी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उंगली मार कर वो सारा कुछ उल्ट दिया जो खाया था, हराम है। तो ये जो नजूमी पामिस्ट आजकल फिर रहे हैं गली गली महल महल सड़कों पर बोर्ड लगे हुए हैं, आए जी किस्मत का हाल जाने, तो इनकी कमाई भी टोटली हराम है। और तीसरा फरमाया महरुल बगी, बदकारा फाशा औरत अपने पेशे से जो भी कमाती है उसकी कमाई भी हराम है। बदकिस्मती से तीनों जुर्म ही हमारे यहाँ मौजूद हैं।
अल्लाह ताला हमारे माशरे की इसलाह फरमाए, हमारे लोगों की इसलाह फरमाए और इन तीनों जरायम से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमाए। जी जो तीन काम बताए भट्टी साहब ने, इसके अलावा भी अगर कोई हम ऐसी चीज़ें करें और हमें पता है कि गलत है लेकिन हम कर रहे हैं तो हमें फौरन रुक जाना चाहिए। फिर कहते हैं कि अल्लाह की रहमतें नहीं आती। अल्लाह अकबर। इससे पहले कि बड़ी सब सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू करें, मैं आज बहुत खुश भी हूँ। अच्छा, ये जो एनर्जी का लेवल आप देख रहे हैं ना, ये क्यों है? अच्छा माशाल्लाह। बल्कि आप में भी वो बात मैंने अभी वार्डरोब में जब हम थे तो हमने देखी है। गुड न्यूज़ है जी हमारे उन लोगों के लिए जो सुबह वतन भी देखते हैं, पैगाम टेलीविज़न को देखते हैं, वो चाहते हैं कि दीन की रहनुमाई हमारे बच्चों में, हमारी नई नस्ल में, हमारा आने वाला जो कल का मुस्तकबिल है उसमें भी आ सके। हम क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं जी, इंग्लिश लिटरेचर हो, मगरबी तहजीब की चीज़ें हम जानें, हम तरक्की की राहों पर चलें, कोई बुरी बात नहीं है। उलूम सीखने चाहिए दुनिया से मुकाबला करने के लिए, हमें जद्दत की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अपना असल जो रूट कॉज है, जो हमारी बेस है, वो बुनियाद है, वो दीन इस्लाम है। उससे जोड़ने के लिए हम खुद तो अमल करें, करें अपने बच्चों की भी तरबियत करें। तो जब बात बच्चों की आती है तो एक हम खलासा महसूस करते थे, बड़ी देर से हमें कमी महसूस होती थी। तो बड़ी साहब आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया है कि आज हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के मेहमानों के लिए पैगाम टेलीविज़न का जो एनिमेटेड सीरीज़ प्रोग्राम है, जो कार्टून नेटवर्क का एक सिलसिला है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये इस्लामिक बेस्ड है, ट्रूली इस्लामिक कॉन्सेप्ट है और बच्चों की तरबियत है इसमें। वो जो होता था बड़ी साहब के हम मुख्तलिफ कार्टून देख रहे हैं, बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, झूठ बोलना और कत्लो गारत सिखा रहे हैं, गलत बयानी सिखा रहे हैं, ऐसी तालीमात जो कि बच्चों की आने वाली जो जिंदगी है उस पर गलत असर। जो माएँ शिकवा करते हैं कि बच्चे चैन से बैठते नहीं है जी, वो भी हमारे उन्हें कार्टून ने सिखाया ना जी, छलांग मारो तो इधर गिरो, छलांग मारो तो इधर गिरो, तो वो उछलना कूदना अच्छी बात है, लेकिन इतना कि हर दम घर में तूफान बरपा हो तो फिर माएँ तंग आ जाती हैं। तो वो हमारे कार्टून जो थे ना पुराने, वो यही कोई सिखाते थे, वो बच्चे इतने उछल कूद करते थे कि वालदैन फिर उछल कूद में मसरूफ हो जाते थे उनको कंट्रोल करने के लिए। जो हिंदुआना रस्म व रिवाज जो हमारे दीन से किसी तौर पे हमारे माशरे से रिलेट नहीं करते, हमारे बच्चे वो सीख रहे हैं, वो लफ्ज बोलना शुरू हो गए हैं। सर बहुत हैरान कुन बात है, अल्लाह अकबर। आप कह रहे हैं ना बच्चे सीख रहे हैं हिंदुआना रस्म व रिवाज सीख रहे हैं। एक बच्चे को वालद ने थोड़ा सा डांटा तो वालद ने की डांट खाने के बाद बेटा माँ से जो लफ्ज़ बोल रहा है ना, वो ज़रा देखें कि वो उसने कहाँ से सीखे। और ये कार्टून और ये हमारे ड्रामास कितना असरअंदाज होते हैं बच्चों पर। बच्चा माँ को क्या कहता है जी? माँ को कहता है मामा बाबा को बता दो कि आइंदा मुझे डांटे नहीं या मुझे मारपीट नहीं करें जी, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो कल को बाबा की लाश को उठाने वाला भी तो मैं ही होऊंगा। वो क्या कहते हैं सती, पता नहीं सर मुझे। हाँ इस तरह को लफ्ज़ को बोला उसने कि बाबा की लाश को आग भी लगाने वाला मैं ही होऊंगा और मैं बड़ा बेटा हूँ घर का, तो मुझे आज के बाद हाथ ना लगाएं। तो ये बच्चे हमारे जो हैं हर चीज़ सीखते हैं, एक्शन हो तो एक्शन भी सीखते हैं, अगर आपको कोई कलाम है, कोई लफ्ज़ है तो वो भी सीखते हैं जी। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर बच्चों को आप कार्टून्स के ज़रिए बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह सिखाएं, सुबहानअल्लाह सिखाएं, माशाल्लाह सिखाएं, दुआएं सिखाएं सुबह शाम की, तो जो बचपन में याद की हुई चीज़ें ना वो कभी भूलती नहीं जी। तो ये बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे जी, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए आमीन, और आमीन। हमारे नाज़रीन के लिए इसको बस बरकत बना दे। तो वो बच्चे जो बाकी तशीनगी महसूस करते थे कि जी हम बच्चों को फिर दिखाएँ क्या जी, वालदैन जब तंग आते हैं ना, वालद तो क्या बाहर, वालदा घर में है, आजकल जैसे छुट्टियां हैं, बच्चे जब तक सोते हैं वालदा चैन में, जैसे ही उठते हैं तो घर में तो एक अजीबोगरीब धमा चौकड़ी शुरू हो जाती है। अब वालदा करे तो क्या करे, वो टीवी लगा के दे देगी बैठो बैठो। अब बच्चे हमारा सुबह वतन तो नहीं देखेंगे, बच्चों के लिए दिलचस्पी कोई चीज़ है नहीं इसमें, बच्चों को लगा के दे देंगे कोई ड्रामा कोई फिल्म तो देखेंगे। तो अब बच्चों को कार्टून अट्रैक्ट करते हैं, तो कार्टून इस्लामी है नहीं थे, वो क्या सिखाएं? तो वही वो रस्मान रस्म और रिवाज नमस्ते सीख रहे हैं, नमस्ते सीख रहे हैं, चरणों को छूना सीख रहे हैं। बड़े साहब ऐसे अल्फाज जैसे आप बता रहे हैं, ऐसी रवायात जो कि हमारी है ही नहीं। हाँ जी, बच्चे जब ऐसा करते तो हम खुद शक्ल देखने लग जाते हैं, बच्चे कहाँ से ले रहे हैं। अच्छा मुझे याद आ गया, कुछ दिन पहले मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला तो एक बुजुर्ग बहुत गुस्से में,
उनका पोता है, उसने इसी तरह की सीरीज देखी तो वालद से या दादा से सवाल किया जी। अच्छा, उसने समझने के लिए सवाल किया और दादाजी के दिमाग में था कि ये वो गंदी चीजें देखता है तो इसलिए इस पर असरअंदाज हो गई हैं जी। तो दादाजी शदीद गुस्से में मुझे कहते हैं, बटी साहब हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क हो गया है, हम तो बर्बाद हो गए हैं, ये हो गया वो। उतनी देर में उसका वालद भी आ गया जी। वो कहने लगा, अब्बू जी, यानी बच्चे के दादा को, अब्बू जी वो आपसे पूछ रहा था, आपने बच्चे को डांट दिया, आपने उसका सुना ही नहीं, वो कहना क्या चाह रहा था, वो तो आपसे सवाल करना चाह रहा था कि अब दादा वो ये सही है कि गलत है, आपने उसको सुने बगैर ही डांट दिया। तो कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर टीवी है, लैपटॉप है, टैब हैं बच्चों के या गेम्स हैं, उन सब से बच्चा आपका सीख रहा है, सीखता है। अच्छा बड़ी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बच्चे सीखते हैं। इस सीखने के प्रोसेस में पैगाम टेलीविज़न हमेशा से, जैसे आप हम बैठते थे, हमारी मैनेजमेंट बैठती थी, हम लोग बैठ के अपने टीम मेंबर गुफ्तगू किया करते थे कि बच्चों के लिए हमें ये प्लान करना चाहिए, तो ये हम बड़े अरसे से इस कोशिश में थे। करेक्टर्स बड़े अच्छे हैं बड़ी साहब इसमें। अब्दुल्ला का पैगाम से जाएगा, सारा का पैगाम जाएगा पैगाम टेलीविज़न से, फिर ये दोनों हैं बहन भाई। तजस्सुस के लिए थोड़ा क्रॉसिटी में इंक्रीज़ कर दूँ, थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। अब है ये कि ये दोनों बहन भाई हैं, ये दीन के बारे में बताते हैं, सीखते हैं, पूछते हैं बड़ों से, और फिर शैतान इनके साथ जो मुकाबला करता है, और ये जो शैतान को फिर हराते हैं, शैतान कभी खाने की टेबल पे कोशिश करेगा जाने की, ये बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, वो बेचारा वहीं पे कहेगा कि ओए होए मैं तो अब नहीं खा सकूँगा। किसका शैतान मजबूत होता है, ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, और किसका शैतान कमज़ोर हो जाता है। तो ये बच्चों को दुआएँ करने के काम, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अहदी जो चीज़ें हैं करने की वो बताई जाएंगी, ये सारी चीज़ें होंगी जी। नईम साहब, मैं चाहूँगा कि जो प्रोमो है थोड़ा सा हम वो भी बच्चों को दिखा दें, तो वो भी ऑन एयर करते हैं हम अभी। तो जी देखते हैं ज़रा बच्चों का आज का ये जो प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा। जी आपे जान शैतान, आप ही शैतान। वाओ, क्या मजे का लग पीस है। वैसे तुम कौन सा हाथी जितना खाती हो? अब क्या होगा दादो जान, हम दूसरों के आगे से खाना क्यों नहीं ले सकते? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा जान। सबर कैसे करूं, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। फुल एपिसोड कमिंग सून इंशाल्लाह। देखें जी, और देखने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है बड़ी साहब, आपने देखे। अच्छा मजे की बात यह है कि अब्दुल्ला की जो डबिंग है, बच्चे का लहजा देखें, फिर सारा की आवाज़ की जो डबिंग की गई है, फिर जो शैतान है और अच्छा हम एक चीज़ और बताएंगे, हमारे जो साथी जिन्होंने डबिंग्स भी की हैं, जिनके अब जो शैतान होगा वो तो नाम ही शैतान पड़ जाएगा। हाँ भाई, आप मैं उसमें वो करेक्टर शैतान का कर रहा हूँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें, बट क्रक्स इसमें ये है कि हम बड़ों को दिखा रहे हैं, जिस तरह तीन जनरेशन है इसमें, दादा दादी नाना नानी, फिर उसके बाद वालिदैन हैं, फिर उसके बाद बच्चे हैं। तो बट सर ये बड़ी खूबसूरत लर्निंग है, मुकम्मल फैमिली है, मुकम्मल फैमिली है। आप ये देखिए, शैतान कह रहे हैं आहा आज तो मैं भूखा रह जाऊंगा क्योंकि बच्चों ने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, और वो अब्दुल्ला कह आज तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है खाना। यानी बड़ा खूबसूरत लगता है सुनने में, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बच्चे रेडी हो जाएं जी और देखा करें, ये सीखा करें, बल्कि बड़ों के लिए भी बड़ी साहब इसमें सीखने की चीज़ें होंगी, बहुत सारी दुआएं जो बच्चे सीख रहे हैं, बड़ों को भी सीखने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है जी बिल्कुल। बल्कि मुझे याद है मोहम्मद हारिस नबीद, जो मेरे छोटे बरखुदार हैं, बड़ा अर्सा पहले मुझे उन्होंने बाकायदा खाने की टेबल पर खाने की दुआ बताई, और खाना जब आपने खा लिया फिर उसकी दुआ बताई, तो आई वॉज लाइक स्टंट, मुझे नहीं आती थी बड़ी साहब, और मैंने कहा माशाल्लाह। यानी बच्चे कितनी जल्दी सीखते हैं, तो ये लर्निंग है, बहुत खूबसूरत लर्निंग। तो जी बच्चों को ज़रूर टाइम निकाल के इस टाइम देखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। आज के पहले कॉलर हैं उनको शामिल कर लेते हैं जी प्रोग्राम में जी। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रिजवान भावलनगर से, कैसे हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं, तबीयत कैसी है? आपकी दुआएं हैं, आज क्या पूछने वाले हैं आप? ये आज ये पूछना था कि मेरे कुछ दोस्त हैं जी, जिनमें एक दोस्त की अगर मोहल्ले में हमें भी बुरी बातें बताता है, मैं ऐसा करता हूँ बुराई में, तो ज्यादा बुरा है। अच्छा,
हमने कहा भी उसका ऐसे किनारे ही कर लें। अच्छा, तो मैंने ना उसका नंबर कुछ दिन पहले ब्लैक लिस्ट में लगाया था। अच्छा, ब्लॉक कर दिया आपने? जी, काफी काफी बुरा है वो। जो एक तो बात होती है ना, उसको पता नहीं होता उसके मोहल्ले में, वो हमारे सामने वो बातें करता है, फिर हमने उससे किनारा कर लिया। भट्टी साहब से पूछना, ये अच्छी बात है किनारा करना बुरे लोगों से। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, अभी जवाब लेते। बुरे लोगों से किनारा करना अच्छी बात है भट्टी साहब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्रजुलु अला दीन खलीली, बंदा वैसा ही होता है जैसा उसका दोस्त होता है। दोस्त होता है जी। उसका किरदार, उसकी सीरत जैसी हो, बंदे के अंदर वो सरायत कर जाती है जी। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी मजलस, अच्छे दोस्त बनाने का हुक्म भी दिया है। आपने फरमाया अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसे है, अच्छा दोस्त वो है जैसे एक कस्तूरी बेचने वाला, खुशबू बेचने वाला, आप उसको मिलने जाएँ, या तो वो आपको गिफ्ट करेगा, या वो आपको गिफ्ट नहीं करेगा तो आप उसके पास बैठेंगे तो दुकान के अंदर से ही वो खुशबू आपके कपड़ों में जिससे मिसरायत करेगी, या आप उसे ख़रीद लेंगे। तीनों सूरतें हो सकती हैं। और बुरा दोस्त ऐसा है कि जो भट्टी पर लोहा पिघला रहा है, धुआँ है, बदबू है, स्मेल है, आप उसके पास बैठेंगे तो वो धुएँ की स्मेल आपके कपड़ों से भी आएगी जी। तो वो इसी तरह अच्छा दोस्त, उसके पास बैठेंगे तो उसकी अच्छी अच्छी खूबियाँ आपके अंदर भी आएंगी, बुरे दोस्त के पास बैठेंगे तो बुरी खूबियाँ आपके अंदर भी आएंगी। तो ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि हमने उससे किनारा कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसकी सलाह की कोशिश भी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए पहले, उसकी सलाह की कोशिश करनी चाहिए। आपका दोस्त है भाई, अगर आप समझें कि आपने कोशिश इंतहाई कर ली है, बहुत थका दिया उसने, वो बाज नहीं आता, तो फिर थोड़ी देर किनारा कशी करके देख लें कि शायद उसको इब्रत हो कि मेरे सारे दोस्त ही मुझे छोड़ गए। लेकिन उसकी सलाह करना भी ज़रूरी है, पहली फुर्सत में ही उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देना और दोस्तों से निकाल देना, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक, उसकी सलाह की कोशिश करने के बाद ये आखिरी स्टेप होना चाहिए कि उसको ब्लैक लिस्ट करें, उसको महफिल से निकाल दें। तो पहले उसकी सलाह की कोशिश करें, उसकी खैर खाई करें, आखिर वो आपका दोस्त है। ठीक है, एक और कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस नईम लाहौर से, आप काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोलती हैं, आवाज़ आपकी प्रॉपर नहीं आ रही। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई गेस देर इज सम टेक्निकल रीज़न, अगर दोबारा कॉन्टेक्ट होता है तो बात करते। अच्छा जी बड़ी साहब, कुछ सवालात हैं वो शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मुफ्ती साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि अगर कोई अपने फौतशुदा शौहर या फौतशुदा वालिदैन के लिए सदका करना चाहती है तो क्या वो अपनी औलाद को दे सकती है? शरीयत की रोशनी में वजाहत कर दें। शरीयत ये कहती है कि वालिदैन अपने बच्चों को और बच्चे अपने वालिदैन को सदका खैरात नहीं देंगे, उन पर अपना रासुल माल खर्च करेंगे जी, अपनी मेन प्रॉपर्टी, मेन इनकम जो है वो खर्च करेंगे जी। तो सदका खैरात जो है वो बहन भाइयों को दिया जा सकता है, गरीब रिश्तेदारों को दिया जा सकता है, औलाद को नहीं दिया जा सकता। औलाद पर खर्च करना तो वालदैन की ज़िम्मेदारी में शामिल है, और औलाद के लिए वालदैन की खिदमत करना उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है, उनको वो सदका खैरात नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ठीक है, आगे पूछा कि हम तीन बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, मेरे वालिद साहब साहिब फराश हैं, वो अपनी तहारत पाकी भी नहीं कर सकते, मैं बेटी ही उनकी सफाई सुथराई करती हूँ, लेकिन जब उन्हें गुसल देना हो तो मैं अपने शौहर से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या मैं अपने शौहर के साथ मिलकर अपने वालिद साहब को नहला सकती हूँ या फिर उनके साथ किसी दूसरे मर्द को ही शरीक करना होगा? कोई हर्ज नहीं है, अगर वालिद साहब को आप निकर पहनवा लेते हैं या तयबंद बंधवा लेते हैं तो वालद साहब को गुसल देने में बेटी भी साथ शरीक हो जाए। मसलन बेटा जो है, दामाद जो है वो पानी डाल रहा है तो बेटी साबुन लगा दे वालद साहब के जिस्म पर, और या बेटा जो है दामाद जिस्म पर साबुन लगा रहा है तो बेटी पानी डाल दे। तो जिस तरह भी खिदमत करना मुमकिन हो, सत्तर को छुपा के ढाँप कर बेटी भी खिदमत कर सकती। ठीक है, आगे पूछे कि नमाज जनाजा में इमाम साहब ने तीसरी तकबीर के बाद दुआएं पढ़ी और चौथी तकबीर कहे बगैर ही सलाम फेर दिया, क्या इस तरह नमाज जनाजा अदा होगी? बराए करम रहनुमाई फरमाएं। हाँ जी, जिस तरह नमाज की एक रकत रह जाए जी तो हम क्या करते हैं कि पहले वो रकत पूरी करते हैं,
इसी तरह जनाजे की चार तकबीरें हैं, अगर एक तकबीर रह जाए तो पीछे मुक्तदियों को लुकमा देना चाहिए, सुबहानल्लाह कहकर इमाम साहब को मुतवज्जा करना चाहिए, भाई साहब आपकी एक तकबीर अभी रहती है। लेकिन अगर इमाम साहब सलाम फेरा और चल दिए तो फिर बाकी जितने लोग मुतवज्जो थे, जिनको पता है कि एक तकबीर रहती है, वो तकबीर कहने के बाद ही सलाम फेरे, इस तरह उन सब की नमाज पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर सब ने सलाम फेर दिया ये तीन के बाद, इमाम भी उसको बाद में पता चला और मुक्तियों ने भी उनको बाद में भाई तीन तकबीरें हुई थी, तो फिर इमाम दोबारा किबला रुखो सफ़े बनाए, किबला रुखो और अल्लाह अकबर कहकर तकबीरें चार पूरी करें, फिर सलाम फेरे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी तरह किया जी। एक दफ़ा उन्होंने जनाजा पढ़ाया तो गलती से तीन तकबीरों के बाद सलाम फेर दिया, उनसे कहा गया कि हज़रत आज आपने तीन तकबीरें ही कही हैं, चौथी नहीं कही, तो उन्होंने फिर दोबारा किबला रुख होकर चौथी तकबीर भी कही और उसके बाद फिर सलाम फेरा। ठीक है जी, एक कॉलर और है उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मिसेस नईम लाहौर से जी, फरमाइए। सर मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है, मैं मुख्तसर करके आपको बताती हूँ, मुफ्ती साहब से ये जवाब चाहिए जी कि एक लड़की की शादी हुई, वो 5 साल अपने मियाँ के साथ बाहर रही, उसके बाद वो पाकिस्तान आ गए, 2 साल इधर रहे और उसका मियाँ अमेरिका चला गया, उस पहले शोहर में से बच्चा कोई नहीं था, 3 साल तक अमेरिका जब वो गया उसने कोई रब्ता कोई कॉन्टेक्ट कुछ ना किया, ससुराल वालों ने 3 साल के बाद उस बच्ची को निकाल दिया, वो फिर 2-3 साल अपने मेके रही, फिर किसी से पता चला जी वो बंदा अमेरिका में फौत हो गया, उन्होंने तकरीबन 1.5-2.5-3 साल बाद बच्ची की दोबारा शादी कर दी, अब बच्ची की 4 बेटियां, हालांकि वो बच्ची अब नानी बन चुकी है, वो 35 साल बाद वो बंदा अमेरिका से वापस आ गया, क्या कर सकते हैं, इसका क्या कोई हल है या नहीं है कि ये गलत हुआ क्या हुआ, अब ये दूसरी शादी है उसके, उसमें से 4 बेटियां, बेटी शादी शुदा है, तो अब वो 35 साल बाद वो बंदा अमेरिका से वापस आया है, तो अब उन्होंने कॉन्टेक्ट तो कोई नहीं किया, लेकिन अब उन्हें पता तो चल गया है कि वो बंदा जिंदा था, तो अब क्या करें इस मामले में। मैं समझ गया जी आपकी बात, मैं अभी जवाब देता हूँ, बहुत शुक्रिया। बड़ी सब बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन है और ये पहले भी मैंने बड़ी दफ़ा कुछ ऐसे वाक़यात लोगों से सुने और बड़ी परेशानी में लोग मुबतला हो जाते हैं और होना भी चाहिए, सिचुएशन ऐसी, फरमाइएगा आप। मेरे लिए तो शॉकिंग ये है कि आज मीडिया के दौर में एक शख्स ने अमेरिका से ख़बर दी कि वो भाई साहब फौत हो गए हैं, तो आपने उनसे कोई वीडियो सबूत नहीं मांगा कि वो फौत हो गया है तो किधर है, उसका जनाजा किधर है, किसने जनाजा पढ़ा, किसने पढ़ाया, विदाउट एनी सबूत आगे शादी कर दी। माजद के साथ बड़ी साहब 2-3 चीज़ें ऐड हो जाएंगी, 35 साल जो वो कह रही हैं तो तब मीडिया में इतने फास्ट नहीं थे, दूसरा ये है कि वो सिचुएशन भी कुछ ऐसी होती है, 35 साल पहले भी अगर बात ली जाए तो भी उस वक्त भी कुछ ना कुछ तो था ना, अगर आप प्रूफ लेना चाहें, कंफर्म करना चाहें, जिस साहब ने ये खबर दी है कि वो फौत हो गया है उससे कंफर्मेशन दीगर साथियों से की जा सकती थी जी। लेकिन ये इन्होंने नहीं की, गलती है, अब उन्होंने उसको फौतगी की बात इद्दत गुजारी और निकाह कर दिया, ठीक किया, बच्चे हो गए हैं, ठीक है, बिल्कुल हलाल और जायज़ है, लेकिन अब अगर खामद वापस आ गया है, जिंदा सलामत मौजूद है, तो फिर दूसरे शख्स का निकाह ख़त्म समझा जाएगा और पहले का निकाह अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, तो पहला निकाह उसका बाकी है, अब बीवी पहले की शुमार होगी। अच्छा, यानी जो पहला शख्स था, पहला शख्स जो बूढ़ा हो चुका है अब और उसकी बेगम भी बूढ़ी हो चुकी है, अगर जो उसने शादी कर ली, उसके बच्चे भी हैं, वो बच्चे भी हलाल के हैं, बच्चे उसके जायज़ हैं, निकाह भी ठीक था, लेकिन निकाह एक शुबे की बिना पर हुआ ना कि वो फौत हो गया, अब वो गलत निकली खबर, तो अब वो खामद आ गया है जिसका असली निकाह था, तो ये बीवी उसी की है, लेकिन इस भाई साहब को पूछा तो जाएगा कि तू रहा कहाँ, चले 35 साल पहले तो ज़राए नहीं थे, अब तो हैं ना, अब तो 10-20 साल से तमाम जदीद ज़राए मौजूद हैं। अब वो कह रही कि उन्होंने कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया लेकिन इनको पता चल गया, तो अब इस तरह का बंदा जो गुमशुदा है, आपने जो कानून विरासत दिखाई ना किताब, उसके अंदर एक बाकायदा टॉपिक है कि जो बंदा गुम हो जाए उसका कोई अता पता ही ना हो, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़ैसला था कि 4 साल हम इंतज़ार करेंगे और 4 साल के बाद बीवी आगे शादी कर सकती है, लेकिन आखिर फिर हाल वही है एंड पर कि अगर वो साहब का खामद आ जाए तो उसका निकाह ख़त्म नहीं होता,
वो आ गया है तो बीवी उसी की है। अब उन बेचारों के लिए तो बड़ी मुश्किल बन जाएगी, मुश्किल जिन साहब की है वो मनकुहा। लेकिन पहले इस साहब को तो पूछा जाएगा ना कि यार तू रहा कहाँ। अगर आप आकर वो दावा करता है कि ये बीवी मेरी है तो उसी की, लेकिन पहले उसको साहब तो लें पहले 35 साल का जी, ठीक ये कहाँ था। ठीक ठीक है, अल्लाह ताला रहम फरमाए, रहम फरमाए। एक और कॉलर हैं जी, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा पुत्र साथ बड़ी मुझे प्यार मोहब्बत ना सलाम अलैकुम जी। वालेकुम साहब मैं तुहानू भी वालेकुम मैं बड़ा प्यार मोहब्बत ना तुहाडा प्रोग्राम सुननी हूं, बड़ा मोहब्बत करनी है तेरे नाल पुत्रा जी के साथ ना तुहाडे प्रोग्राम दी। नमाज पढ़ी जे मेरी मेरी वालदा दे सिक्के भैन भरावां ते बहुत वडेरे पूजा एक मेरी बच्ची है तो आनी मैं नर्सिंग जाना चाहनी हाँ कर लवे ठीक है जी। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। तुसी कॉल की थी, मैं अभी जवाब लेता हूँ। चार बहन भाई हैं जी, वालिदा जो हैं वो दिल उनका बड़ा सख्त हो गया, वो मिलना नहीं चाहती और ये बड़े परेशान हैं, चाहते हैं कि कुछ ऐसा मामला हो जाए उनका दिल नरम हो जाए, वो मिल लिया करें। ये बड़ा आलमी है, बहुत आलमी है। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, दो भाई हैं, वालिदा शदीद बूढ़ी हैं, वो किसी बेटे को अपने पास रखने पर राजी नहीं है, अकेली रहती है, शदीद जुबान में तलखी है, करख्तगी है। बेटे खिदमत करना चाहते हैं लेकिन वो कहती नहीं चले जो। बेटे लेकर आते हैं अपने घरों में कि अम्मा हमारे साथ रह दो, नहीं रहती। अल्लाह ही जाने क्या मसला है। तो अब ये बहन भी कह रही है कि अब आवाज़ से तो ये भी बुजुर्ग ही लग रही हैं, तो अब वालदा इनकी और भी बूढ़ी होंगी जी। तो बस अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है कि तहज्जुद के टाइम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी वालदा का दिल नरम फरमा दे जी। तो बाकी ये चारों बारी बारी जाते रहें, उनकी खिदमत करते रहें, उनके साथ उसने सलूक करते रहें, उनकी खिदमत में लगे रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है दिल नरम हो जाए। ठीक है, अल्लाह ताला आसानियां करे जी, दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह के घर किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ आप अपनी अर्जियाँ डालते रहें। हाँ जी, अल्लाह ताला दिलों के हाल भी कबूल कर सकते हैं, अल्लाह कबूल कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे साथ मौजूद रहे कारी अबू बकर अब्दुल्ला साहब। कारी साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अशमल भट्टी साहब। बड़ी साहब, आपके भी आने का शुक्रिया। और मुझे पता है कि टाइम आजकल आपके पास ज़रा शॉर्ट है, तो हम आपको मज़ीद इंसिस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी। प्रोग्राम जारी है, एक वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।